पत के खेकड़ा थाना क्षेत्र में खेत में बैठे दो किसानों पर दबंगों ने फायरिंग शुरू कर दी है, जिसमें गोली लगने से एक किसान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई है। लेकिन गोली लगने से दूसरा किसान भी घायल हुआ है, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि मामला खेकड़ा थाना क्षेत्र के बाड़ा गाँव का है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और SP नीरज कुमार जादौन ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। परिजनों से आरोपियों के बारे में जानकारी ली। पुलिस के मुताबिक जमीन विवाद के चलते वारदात को अंजाम दिया गया। पड़ोस में रहने वाले तीन दबंगों ने ताबातोड़ गोलियां चलाकर हमला बोल दिया और उस मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और साथ ही परिजनों की तहरीर पर पड़ोसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की गई है। लगभग 9 बजे खेकड़ा पुलिस को बड़ा गांव के जंगलों में ट्यूबवेल के पास एक व्यक्ति की डेड बॉडी मिलने तथा एक व्यक्ति के घायल होने की सूचना प्राप्त हुई। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। मृतक, जिसका नाम तपेश त्यागी है, उसकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु मॉर्चरी भेज दिया गया है। घायल व्यक्ति, जिसका नाम अर्जुन त्यागी है, उसको उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है, जहां डॉक्टरों ने उसकी स्थिति खतरे से बाहर बताई है। परिजनों से बातचीत की गई तो परिजनों ने गांव के तीन व्यक्ति, इनके नाम डप्पल त्यागी, ऋतिक त्यागी तथा विशाल तथा इनके साथी, इनके विरुद्ध हत्या करने के नाम जो तहरीर दी है, इस तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। इस संबंध में समस्त वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। थैंक यू। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चल